Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. 220 आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा टाटा कॉफी के लिए तो ये फिलहाल तेजी की तरफ का ट्रेड स्टॉक देखिए 200 के आसपास 2 से 2.5 परसेंट तक के गेंस पर कारोबार कर रहा है बाय करें और यहाँ पर 193 के करीब स्टॉप लॉस रखा जाएगा मनीष से मैं पूछूंगी कि वो अपना नया क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स पर फोकस करते हुए कॉनकॉर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो दरअसल आज खबरों में है क्योंकि क्यूफो के नंबर्स आ गए और कौन में मैं देख रही हूँ मुनाफे में इजाफा जरूर देखने को मिला है टू फिफ्टी सेवन करोड़ के आसपास का मुनाफा रेवेन्यू छः परसेंट बढ़ता हुआ एबिट्टा में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन काफ़ी सब्सटैशली ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं आ, तो इस पर दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट को जोड़ेंगे आ, मिस्टर वी कल्याण राम जुड़ रहे हैं मिस्टर राम स्वागत है आपका सी एम बी सी आवास पर इट्स बीन अ गुड क्वार्टर लेकिन अगर आप हमें एक ब्रेकअप दे सके सर डोमेस्टिक uh, वॉल्यूम्स की स्थिति इस साल कैसी रही है और लार्जली एफ आई ट्वेंटी थ्री के लिए कितना मजबूत आउटलुक है जी गुड मॉर्निंग डोमेस्टिक में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ था इस साल में और आगे अभी जो वर्तमान जो चल रहा है एफ आई ट्वेंटी थ्री के लिए भी तो काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा डोमेस्टिक में बिकॉज हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है बल्क सीमेंट इन नॉर्मल कंटेनर्स ये अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलने का है बिकॉज इट इज़ अ वर्जन प्रोडक्ट एंड दिस वाट अ मार्केट अवेलेबल टू टैप तो डोमेस्टिक में वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ दिस ईयर

Uh, uh, कितनी कैपेसिटी हैंडलिंग uh, आप इधर बढ़ाना चाहेंगे बेसिकली सॉरी uh, आप थोड़ा uh, इसको रिपीट करिए क्वेश्चन ये uh, जो कौन सा सेगमेंट बात बल्क सीमेंट हैंडलिंग की जो आप बात कह रहे थे जो नया सेगमेंट आपने कहा इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी और बढ़ाना चाहेंगे इन द कमिंग इयर्स ऐसा है बल्क सीमेंट हम लोग डोमेस्टिक सेगमेंट में करते हैं बल्क सीमेंट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट सो बल्क सीमेंट में मार्केट अगले तीन साल में जो पॉजिबिलिटी है बढ़ाने का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अभी इसको हम इस ऐसा अंदाजा से देखते हैं एज ऑफ नाउ हम लोग डोमेस्टिक में करीब दस बारह मिलियन टन टनेज का हिसाब से बारह मिलियन टन लोड करते हैं तो ये बल्क सीमेंट में एक,

और क्या गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड्स में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है क्या आउटलुक दे पाएंगे नहीं रियलाइजेशन जो डोमेस्टिक में अभी आज जो चल रहा है तो मोरालेस इन टैंडम इसी रियलाइजेशन मिलेगा बल्क सीमेंट में भी और आगे जाके इसमें थोड़ा इन्फ्लेशन और इंक्रीज मिलेगा अदरवाइज ज़्यादा कुछ इमीडिएट इंक्रीज वैसा सब्सटैंशियल इंक्रीज इन the margins uh, for tu we will not expect because the, our aim is to get more market share more volumes and steady growth not to make quick money on the existing volumes and whereas in exim also we made some uh, uh, price changes and definitely that is going to give us more profit this year uh, the profit डेफिनेट देक्रीज इज इन दी प्रजेंट करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो एफ आई ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में हम लोग का मार्जिन्स बड़ा है और ओवरऑल मार्जिनस इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर एंड दिस ईर ऑल्सो वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज लिटल बेट मोर और मार्जिन्स दैट नॉट नॉ दैट कम्स इन बहुत वेज एक तो प्राइस इंक्रीज थोड़ा बहुत है दूसरा हम लोग ऑपरेशनल एफिशेंसी लाते रहते हैं हम लोग काफ़ी कुछ डिजिटाइज कर रहा है इसका वजह से भी हम लोग का मार्जिन इंक्रीज हो गया सर uh, so मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मार्केट है वहाँ पर स्थिति कितनी और बेहतर होते हो, होने के आसार है बिकॉज आई वॉज रीडिंग द नॉमरा रिपोर्ट एंड उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक में स्केल देखने को मिल सकता है लेकिन लार्जली इट्स दी एग्जिम पार्ट देट्स गुड अर्न मनी फॉर यू आपका क्या इन्फ्लुंस है और क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑन ग्राउंड ऐसा एग्जिम में देखिए दो चीज़ काम करता है एक तो एग्जिम इज़ डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स आउट ऑफ इंडिया वी गट गुड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है एग्जिम बॉक्सेस अवेलेबिलिटी का दिक्कत हुए है लास्ट ईयर में तो हम लोग काफ़ी कुछ स्कीम्स लेके आया शिपिंग लाइन को इंक्रेज करने के लिए एग्जिम बॉक्सेस को इंटरलैंड में लाने के लिए इट वर्कड आउट वेरी वेल सो दो स्कीम्स हम लोग इस साल के लिए भी कंटिन्यू कर रहा है पूरा साल भर के लिए हम लोग अनाउंस कर दिया हम लोग स्कीम कंटिन्यू करेंगे इसके इन एडिशन टू दैट हम लोग कुछ वीडिय स्कीम्स भी अनाउंस किया टू मेक मोर बॉक्सेस टू कम इंड इंटरलैंड बॉक्स अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस एंड द एक्सपोर्टर्स विल गेट बेनिफिटेड द अदर एस्पेक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग इन मोर वॉल्यूम्स इज द डीएफसी नाउ डी एफ सी स्टार्ट ऑपरेशनल लास्ट ईयर इट सेल्फ काफ़ी अच्छा वॉल्यूम अभी डीएफसी में मूव हो रहा है हम लोग का डबल स्टैक रनिंग भी बढ़ गया हम लोग डबल हफ ऑपरेशन शुरू किया है एल हम लोग सिर्फ एक सिंगल कटवास हब ऑपरेट करते थे अभी हम लोग कटवास के अलावा स्वरूपगंज भी एक हब शुरू किया डबल हफ ऑपरेशन शुरू कर दिया डी में तो हम लोग को देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ वॉल्यूम रोड से रेल में शिफ्ट हो रहा है और ये आगे जाके और भी होगा ये बिकॉज द रनिंग टाइम्स हैव कम डाउन there is more uh, certainty in the operational uh, transit times, so with the transit time coming down, ye jo market hai rail share badhega road se rail mein shift hoga okay and हमलोग कोई नया wagons ले आया है, जिसका capacity बड़ा है, इसका पहले हमलोग capacity का जो होता था 68 tons का carrying capacity, हमलोग अभी ले क्या है 80 ton carrying capacity वाला wagons करीब सत्ताईस रेक ऑलरेडी ऑपरेशनल में है सो so ये अस्सी टन के ये कैरिंग कैपेसिटी से ये हो जाता है डबल स्टैकिंग का अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाता है जिसमें मार्जिन अच्छा मिलेगा सो so ये सब फैक्टर्स विल इंक्रीज द मार्केट शेयर इन एग्जिम आल्सो, एंड एज डोमेस्टिक सेड मार्केट इज़ अवेलेबल वी हैव टू टैप द मार्केट सो दोनों तरफ से हम लोग तो वी आर सीइंग गुड ग्रोथ इन द कमिंग नेक्स्ट थ्री ईयर्स

इसको प्रोवाइड किया उसमें पूरा पेमेंट भी नहीं हुआ देर इज सम प्रोविजन इन दैट एंड दिस इज़ अ गुड गवर्नेंस वी डोंट वांट टू गिव अननेसरी शॉक्स बिकॉज यू नो एक तो चीज़ है ये कंपनी डेवलपमेंट में है एंड आवर बैलेंस शीट इज अ वेरी क्लीन बैलेंस शीट कभी कोई हम लोग को कोई रिमार्क्स क्वालिफिकेशन uh, होता नहीं बैलेंस शीट में तो हम लोग कुछ इसमें प्रोवाइड किया हुआ है फॉर द लैंड लाइसेंस भी सो देर इज अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ लैंड लाइसेंस भी चार्जेबल

एफ आई ट्वेंटी थ्री में हासिल करेंगे चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद ऑफ ऑफकोर्स पूछते हैं मनीष से क्या एक और ट्रेड आएगा वरना ओवरऑल रिकैप खिलाड़ी नंबर वन के आज